हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाला है। यीशु का आना निकट है और शैतान भी अपना तीर मसीहों के ऊपर चला रहा है। शैतान उसी मसीह विश्वासी को पाप में गिराने के लिए जाता है जो पवित्रता का जीवन बिताता है, जो यीशु के वचन पर चलता है। शैतान उसी मसीह विश्वासी को पाप में गिराने के लिए जाता है। क्यों जाता है? सुनो कि शैतान सोचता अब यह मसीह यीशु पर विश्वास करके उद्धार प्राप्त करके स्वर्ग का जीवन प्राप्त कर लेगा, और फिर वही शैतान उस मसीही को उसी पाप में गिराने की कोशिश करता है। किसी भाई ने हमारे पास कमेंट किया था, उनका नाम शायद अभी था, उन्होंने पूछा था, ब्रदर जी जब हम स्वर्ग जाएंगे तो क्या एक दूसरे को पहचानेंगे क्या? जी हाँ, पहचानेंगे। जैसे मत्ती 8 अध्याय के 11 वचन में लिखा हुआ है, और मैं तुमसे यह कहता हूँ, कौन कहता है? यीशु मसीह, कि बहुतेरे पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग में बैठेंगे। हम एक दूसरे को स्वर्ग में पहचानेंगे और जानेंगे। ओके भैया, इसके बारे में हम अगला वीडियो बना देंगे। ओके भैया, अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। हाँ, यह जाति पाप से कैसी भरी हुई है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, यह लड़के वाले कैसे बिगड़े हुए हैं। यशाया 24 अध्याय के 3 वचन से लेकर 4 वचन तक हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ। पृथ्वी शून्य और सत्यानाश हो जाएगी कि यहोवा ने यह कहा है। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझा जाएगी, जगत कुम्हलाएगा और मुरझा जाएगा, पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हलाए जाएंगे। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और उस सनातन वचन को तोड़ दिया है। इस कारण पृथ्वी को श्राप घसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे। इस कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही रह जाएंगे, क्योंकि आज मनुष्य ने परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं माना और परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया और पाप में लगे हुए हैं। यशाया 44 अध्याय के 9 वचन से लेकर 11 वचन तक हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। जो मुहूर्त खोद कर बनाते हैं वे सबके सब व्यर्थ हैं, बेकार हैं, और जिनमें वे वस्तुओं में आनंद ढूंढते हैं उनसे कुछ लाभ भी नहीं। उनके साक्षी ना तो आपको देखते हैं और ना तो कुछ जानते हैं, इसलिए उनको लज्जित होना पड़ेगा। मैं ये सोच रहा हूँ, जो लोग यीशु मसीह को जानते ही नहीं हैं उनका क्या हाल होगा? जो यीशु मसीह को जानते ही नहीं है उनकी तो घंटी बजेगी और यहाँ भी तड़पाया जाएगा उन लोगों को, और मरने के बाद भी डायरेक्ट उनको आग में डाल दिया जाएगा न्याय करके, जैसे लिखा है निर्मिया में 2 अध्याय के 28 वचन में। परंतु जो देवता तूने बना लिए हैं वे अब कहाँ रहे? यदि वे तेरी विपत्ति के समय तुझे बचा सकते हैं तो अभी उठे, क्योंकि हे यहूदा तेरे नगरों के बराबर तेरे देवता भी बहुत हैं। जब उनमें श्वास ही नहीं है तो वे तुमको क्या बचाएंगे भैया? जैसे निर्मिया 16 अध्याय के 10 वचन में लिखा हुआ है, 10 वचन से लेकर हम 17 वचन तक पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ। और जब तू इन लोगों से सब बातें कहे और वे तुझसे पूछे कि यहोवा ने हमारे ऊपर यह सारी विपत्ति डालने के लिए क्यों कहा है, हमारा धर्म क्या है, हम अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध कौन सा पाप किया है, तो तू इन लोगों से कहना, यहोवा की यह वाणी है कि तुम्हारे पुरखा मुझे त्याग कर, यानी यीशु मसीह को त्याग कर दूसरे देवताओं के पीछे चले और उनकी उपासना करके उनको दंडवत किया और मुझको त्याग दिया, यीशु को त्याग दिया और मेरी व्यवस्था का पालन नहीं किया, और जितने बुराई तुम्हारे पुरखा करते थे उससे अधिक तुम करते हो कि तुम अपने बुरे मन से हट कर चलते हो और मेरी नहीं सुनते। इस कारण मैं तुमको इस देश से उखाड़ कर ऐसे देश में फेंक दूंगा जिसको ना तो तुम जानते और ना तुम्हारे पुरखा जानते थे, और वहाँ तुम रात दिन दूसरे देवताओं की उपासना करते रहोगे, वहाँ मैं तुमको कुछ अनुग्रह नहीं करूँगा। और 17 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आँखों के सामने प्रकट है, वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है, यीशु की दृष्टि से छिपा नहीं है भैया, न उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है, सो मैं उनके अधर्म और पाप का दुगना दंड दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे देश को अपनी दृढ़ित वस्तुओं की लोथों से अशुद्ध किया है
और मेरे निज भाग को अशुद्ध से भर दिया है। निर्मिया 7 अध्याय के 33 वचन में लिखा हुआ है, इसलिए इन लोगों की लोथे आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के पशुओं का आहार होंगी और उनको भगाने वाला कोई न रहेगा। मसीह विरोधी के दिन में इतना हाहाकार मचा होगा, मनुष्यों की लोथे ऐसी पड़ी रहेंगी और जानवर मनुष्यों की लोथों को फाड़ना नोचना शुरू कर देंगे। जानवर फाड़ नोच कर मनुष्यों की लोथे खाएंगे, उनको कोई भगाने वाला या उड़ाने वाला कोई नहीं होगा। उस समय 7 वर्ष में लोग मौत मांगेंगे और मौत नहीं आएगी, बहुत तड़पाया जाएगा। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, किससे कहा? यिर्मयाह से कहा, यदि मूसा और शमूएल भी मेरे सामने खड़े होते तो मेरा मन इन लोगों की ओर न फिरता। इन लोगों को मेरे सामने से निकाल दो कि वे निकल जाए, और यदि तुझसे पूछे कि हम कहाँ निकल जाए तो कहना, यहोवा यूँ कहता है, जो मरने वाले हैं वे मरने को चले जाएं, और जो तलवार से मरने वाले हैं वे तलवार से मरने को, जो आकाल से मरने वाले हैं वे आकाल से मरने को, और जो बंधुए में होने वाले हैं वे बंधुए में चले जाएं। मैं उनके विरुद्ध 4 प्रकार के विनाश ठहराऊंगा, फार डालने के लिए तलवार, और फार डालने के लिए कुत्ते, नोच डालने के लिए पक्षी, और फाड़ कर खाने वाले मैदान के हिंसक जंतु। यहोवा की यह वाणी है। लोग मसीह विरोधी के दिन में लोग तलवार से मारे जाएंगे और मन वन पशुओं के द्वारा लोग मारे जाएंगे। वन पशु लोगों को फाड़ नोच कर खाएंगे, वन पशुओं का आहार होंगे। जैसे निर्मिया 16 अध्याय के 1 वचन से 4 वचन तक हम पढ़ देते हैं बाइबल से, प्रो यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा? यिर्मयाह के, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा। भैया इस स्थान में विवाह करके बेटे बेटियां मत जन्मा। किस स्थान की यहोवा बात कर रहा है? जिस स्थान में आप लोग रह रहे हो भैया, क्योंकि जो बेटे बेटियां इस स्थान में उत्पन्न हो और जो माताओं ने जने और जो पिताओं ने इस देश में जन्माए, उनके विषय में यहोवा यूँ कहता है, वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे, उनके लिए कोई छाती ना पीटेगा और उनको कोई मिट्टी ना देगा। वह भूमि के ऊपर खाद के समान पड़ी रहेंगी, वे तलवार और महंगी से मर मिटेंगी। उनकी लोथे आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं का आहार होंगी। अगर आपने शादी कर ली मेरे प्रियो, जरा सोचो, अगर आपने शादी कर ली और अगर आपके बच्चों ने यीशु पे विश्वास नहीं किया तो क्या हाल होगा? जरा सोचो मेरे प्रियो, मसीह विरोधी के दिन में मार डाले जाएंगे, तलवार से मारे काटे फाड़े जाएंगे, जानवर फाड़ नोच कर खाएंगे और महंगी से और भूखमरी से मर जाएंगे। इतना हाहाकार मचा होगा मेरे प्रियो 7 वर्ष में। 7 वर्ष में लोग मौत मांगेंगे और फिर भी मौत नहीं आएगी। जैसे निर्मिया 25 अध्याय के 33 वचन में लिखा हुआ है, उस समय यहोवा के मारे हों की लोथे पृथ्वी की एक छोर से दूसरी छोर तक पड़ी रहेंगी, उनके लिए कोई रोने पीटने वाला ना रहेगा, और उनकी लोथे ना तो बटोरी जाएंगी और ना कब्रों में रखी जाएंगी, वे भूमि के ऊपर खाद गिनाई पड़ी रहेंगी। परमेश्वर का कहर बरसेगा मसीह विरोधी के दिन में। मनुष्यों की लोथे जैसा खाद खेत में पड़ी रहती है, वैसे मनुष्य की लोथे इस पृथ्वी पर पड़ी रहेंगी, बिछाई पड़ी रहेंगी, कोई किसी को नहीं उठाएगा। इतनी लाशें पड़ी रहेंगी, खाद के समान पड़ी रहेंगी, वे कब्रों में रखी नहीं जाएंगी, उनको कोई मिट्टी नहीं देगा। इतना हाहाकार मचा होगा, इतना तड़पाया जाएगा, और यहाँ भी चैन नहीं, और मरने के बाद भी परमेश्वर उसको आग में नंगा ही डालेगा न्याय करके। यहाँ भी चैन नहीं, और मरने के बाद सीधा डायरेक्ट आग में डाल दिया जाएगा, बहुत तड़पाया जाएगा। समय रहते हुए यीशु पे विश्वास कर लो, समय रहते हुए परमेश्वर के पास लौटाओ, पश्चाताप कर लो, पाप छोड़ दो, बुराई छोड़ दो। क्यों नाश होना चाहते हो? परमेश्वर किसी को नाश करने के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर बचाने के लिए बनाया है मेरे प्रियो। नर्क शैतान और इबलीस और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया था, मगर आज मनुष्य उसमें पाप कर रहा है तो परमेश्वर उसमें क्या करे मेरे प्रियो? क्या करे भाई, क्या करे? अभी छोड़ दो, अभी समय है, वरना बाद में आपको पश्चाताप करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। इसलिए समय रहते हुए यीशु के पास लौटाओ, परमेश्वर आपको माफ कर देगा, परमेश्वर आपको माफ कर देगा। आशा करते हैं छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों के पास कृपया शेयर जरूर कर देना। क्या पता आपके एक शेयर से लाखों करोड़ों आत्माएं बच सकती हैं। ओके, आप सभी को जय मसीह की, गुड लक।